गाइज कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन के अंदर किस तरीके से अलार्म सेट कर सकते हो, अलार्म लगाना चाहते हो कैसे लगाओगे, वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना रुकिए मत भूलिएगा। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अलार्म लगाने के लिए गाइज सबसे पहले अपने फोन के अंदर आपको एक एप्लीकेशन देखना पड़ेगा जिसका नाम है क्लॉक। तो यहाँ पे हम क्लॉक पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक अलार्म का सेक्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके बाई डिफॉल्ट दो अलार्म आपको देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्लस का, तो प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एएम पीएम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप दिन सेलेक्ट कर लोगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सारा दिन सेलेक्ट करना है, सारा दिन सेलेक्ट कर लोगे। तो इस तरीके से अपना आप अलार्म सेट करोगे, आपका अलार्म आपके फोन के अंदर लग जाता है। प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके एक नया अलार्म भी आप सेम इसी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अलार्म अपने फोन के अंदर सेट करते हैं, हम अपने फोन के अंदर कैसे अलार्म लगाते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स को लाइव कमेंट कर देना। बाय।